Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 6, Human Resources. बेटा आज हम लोग ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ये लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का. हम लोग इसको आज कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे. इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो मानव संसाधन होते हैं उसको. देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, उसमें हमारा एक रिसोर्स ये भी था ह्यूमन रिसोर्स, जिसे कि कहा जाता है मानव संसाधन. तो क्या होता है कि जितनी भी हमारी अर्थ है, तो अर्थ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज. की मतलब जब तक हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका यूज कौन करता है? ह्यूमन बींग करता है. ठीक है, तो इनको अगर हम लोग कंप्लीटली यूज करते हैं तो दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, कि हमारा जो ये रिसोर्स हैं जितने भी, उसमें हमारा जो राष्ट्र के जितने भी हमारे अर्थ के रिसोर्सेस हैं, उसमें इंसान जो है, ह्यूमन जो है, मानव, वो एक सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना गया है. एक सबसे उचित और अव्वल जो संसाधन होता है उसकी कैटेगरी में इसको माना जाता है. नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिसेंट ओनली वेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. लेकिन जब नेचर में, जब प्रकृति में जो ये हम लोग संसाधन यूज़ करते हैं, इसमें सबसे जो है, सबसे इंसान जो है, इसी को ही सिग्निफिसेंट यानी कि सबसे उचित संसाधन इंसान ही बनाता है. जितने भी हमारे रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं हमारी अर्थ पर, उनको सबसे ज़्यादा सिग्निफिसेंट कौन बनाता है? मानव ही बनाता है. यूजफुल उनको मानव ही बनाता है. इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड and abilities that them into the resources. ये क्या करता है? मनुष्य अपनी ability के according, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कर देता है? उसको रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देता है. पहले क्या होते हैं? वो सोर्सेस होते हैं. सोर्सेस को रिसोर्सेस में कन्वर्ट कौन करता है? मनुष्य करता है. मानव अपनी आवश्यकता और अपनी योग्यता के अनुसार उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? रिसोर्सेस में बना देता है. हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट सोर्स, और उसमें से एक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स. मानव संसाधन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट जो है रिसोर्स माना गया है. नाउ हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि जो हेल्दी और एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल होते हैं, जो मतलब कि कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हेल्थ जो इंसान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य, एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उसे डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. और यहाँ पर एक लाइन दी है एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड. एजुकेटेड और मोटिवेटेड का मतलब हो गया कि नए नए एक्टिविटीज़, नए नए आइडियाज़ उसमें इन्वॉल्व करके वो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाते हैं और उसे मानव के लिए और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं? डेवलप्ड करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर सोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, कि जिस तरीके से हमारे अदर सोर्सेज मतलब कि लाइक जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, और है ना कि जो माइनिंग हो गया, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसे नहीं मिलते हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा होते हैं, वैसे ही जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, वो भी वर्ल्ड में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली नहीं है. वो भी कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं. दे डिफर देयर इन द एजुकेशनल लेवल, और वो डिफरेंट मतलब रेशो क्यों हो सकता है? देखिए, एजुकेशनल लेवल के हिसाब से वो क्या होता है कि कहीं पर जो है संसाधन ज़्यादा होते हैं एजुकेशन के, वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा बिलोंग करती है. जहाँ पर एजुकेशन रिसोर्सेस नहीं होते वहाँ पर लोग कम रहते हैं, लेवल, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर क्या, ये डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग जो कारण है उसके अकॉर्डिंग भी इनकी जो भिन्नताएं हैं वो पाई जाती है. देयर नंबर्स एंड द कैरेक्टराइजेस ऑल्सो कीप चेंजिंग, इसके अलावा जो है नंबर और मतलब योग्यता विशेषताओं के अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं. यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर स्टोरी है, उनको आप देख सकते हैं कि भाई विलेज में जो है, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि माई विलेज हैज़ 1000 पीपल ही रहते हैं, देयर आर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 500 बच्चे जो है मेरी स्कूल में पढ़ते हैं, ये लड़की कह रही है. तो हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड, यहाँ पर एक बच्चा कह, मदर कह रही है कि क्या तुम जानते हो कि भाई पूरे वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर एक बॉय कह रहा है कि 30, मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स ही है. तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये विभिन्नताएं पाई जाती है. अब ये विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है? जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं. ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन.
अब देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक पिक्चर चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट कलर से दिखाया है। तो रेड कलर है से कुछ लोग हैं, कुछ ब्लू से, कुछ पर्पल से, कुछ ऑरेंज से और कुछ येलो से। तो ये क्या वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो क्यों होता है कि मैंने अभी भी आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कि भाई जहाँ पर जितने हम लोगों को संसाधन प्राप्त होते हैं वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहती है, और जहाँ पर संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं वहाँ पर पब्लिक कम रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं। द वे इन विच पीपल आर द स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहाँ पर जो है पब्लिक रहती है फैली हुई होती है वो हमारे अर्थ के सरफेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण कहा जाता है उसे। मोर देन 90% जो है हमारी वर्ल्ड की जनसंख्या है वो कहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, कि लगभग जो हमारे वर्ल्ड की जनसंख्या है वो किस पर रहती है, सबसे ज़्यादा लैंड सरफेस पर रहती है। क्योंकि जो जो लैंड सरफेस होता है जो मतलब मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर क्या हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है इसलिए, और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो अदर एरियाज में निवास करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ये जनसंख्या का घनत्व है ये अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम स्प्रेडली पॉपुलेटेड, कुछ जो होते हैं बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं और कहाँ पर जो होती है कुछ छितरी हुई पॉपुलेशन ही पाई जाती है। द क्राउडेड एरिया आर द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है देखिए कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न में पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अब जो अगर हमारे इक्वेटर को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि साउथर्न इक्वेटर और नॉर्थर्न इक्वेटर, तो जो ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी वो कहाँ पर मिलती है, नॉर्थर्न पोर्शन वाले में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, साउथर्न वाले में बहुत कम जो पॉपुलेशन होती है। वेरी फ्यू पीपल्स लिव इन द हाई लैटिट्यूड एरियाज, इसके अलावा देखिए जो हाई लैटिट्यूड एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है उनकी कमी होती है, वहाँ पर क्या होता है कि लोग कम रहते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ पर पानी की, वाटर की, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स होती है इसलिए लोग वहाँ नहीं रह पाते। हाई माउंटेन्स पे क्या होता है कि जो कल्टिवेशन होता है, क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम होता है इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स होती है इसलिए नहीं रहते हैं, इसलिए जहाँ पर जो है। और इसके अलावा जो इक्विनेशियल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर भी लोग कम रहते हैं, क्यों रहते हैं आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर घने जंगल होते हैं तो नहीं रहा जाता है, तो ज़्यादा जो है लैंड सरफेस पर ही लोग रहते हैं। मैनी मोर पीपल लाइव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मोर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोर्शन में ज़्यादा पब्लिक रहती है बजाय कि साउथ पोर्शन के। ऑलमोस्ट थ्री इक्वेटर्स, थ्री क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन लिव इन द टू कॉन्टिनेंट्स एशिया और अफ्रीका, सब मतलब हमारे विश्व की लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है लगभग 60% पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, वो रहती है एशिया और अफ्रीका में। बाकी जो 40% पॉपुलेशन है जो मतलब जैसे कि 60% पॉपुलेशन जो है 10 कंट्रीज में ही रह जाती है, बाकी जो 40% है वो मोर देन किस में रहती है, 100% जो सिटीज़ हैं उनमें निवास करती है। यहाँ पर जो है ये पॉपुलेशन ऑन द मिलियन, इसको कलर डायग्राम से दिखाया है, इसको आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व क्या होता है भाई, देखिए जहाँ पर पॉपुलेशन, जैसे कि कहते हैं ना कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग पाए जाते हैं उसे बोला जाता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जनसंख्या का घनत्व जो है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसको नापने का, ह्यूमन रिसोर्सेस को मेजर करने का। अब देखिए क्या लिखा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, की उस एरिया के, उस अर्थ सरफेस के कितने लंबे चौड़े एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व उसे कहा जाता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसे किसे मेजर किया जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर, कि एक किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसका रेशियो निकाला जाता है और उससे उसका जो मेजरमेंट किया जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ द 51% एज पर स्क्वायर किलोमीटर, पूरे हमारे वर्ल्ड का अगर हम लोग डेंसिटी एवरेज देखें तो उसमें लगभग 51 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। एंड साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, और एशिया में जो है साउथर्न वाले पार्ट में
सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी रहती है पॉपुलेशन की, फॉलो बाय द ईस्ट और द साउथ एशिया, बजाय किसके, साउथ और ईस्ट एशिया के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पर एक आपको दिखाया भी गया है एक स्पेशल बॉक्स में, डू यू नो में, कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इन द 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब तो और भी ज़्यादा हो गया, ये बुक थी जब, मतलब पहले बनी हुई थी जब तक लगभग 382 था, कि एक किलोमीटर में 382 लोग जो है रहते हैं, लेकिन अब इसका क्या हो गया है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से। हम लोगों ने दो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉक्स थे उनको लेफ्ट कर दिया था, उनको देख लेते हैं। डू यू नो में द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए, मानव संसाधन एवं विकास बोर्ड है ना, तो इसका जो है मिनिस्ट्री वॉज द क्रिएट, ये 1985 में बनाया गया था विद द एम ऑफ द इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स। उसका उद्देश्य क्या था इस डिपार्टमेंट का, कि जो पीपल्स की स्किल होती है, लोगों की स्किल को डेवलपमेंट किया जाए, लोगों के नए नए आइडियाज़ को आगे मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। दिस जस्ट शो हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज द रिसोर्स फॉर मैनी कंट्री, कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए रिसोर्सेज तैयार कर सकें, अपने उनके नए विकास को डेवलप कर सके। डू यू नो में देखिए नीचे है एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई गई, जिसे हम लोग PKY के नाम से जानते हैं। ये स्टार्टेड हुई थी 2015 में, और इसका एम था कि जितने भी 1 करोड़ इंडियन यूथ है, लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको 2016 तक क्या करना है, उनको डेवलप करना है, उनकी योजनाओं को, मतलब उनको रोज़गार देना है। और उसमें ये था कौशल विकास में कि इनको मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेंड करके नई नई स्कीम्स में उनको इनकरेज किया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट स्किल बाय द गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, मतलब नई जो है इनकी स्किल्स को डेवलप करके उनको क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाना था। अब ये इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेटा, कि है वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स ऑफ द अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और नेक्स्ट है जो हमारा जनसंख्या परिवर्तन, चेंजिंग द पॉपुलेशन, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारे इस चैप्टर का मैं आपको फिर बता देती हूँ, इस चैप्टर का हमारा पूरा पोर्शन नहीं आ रहा है, केवल दो पॉइंट्स मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं वो आ रहे हैं, और दो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला एक तो, और एक दो पॉइंट है कि चेंजिंग द पॉपुलेशन चेंज, ये दो पॉइंट बस यहीं तक आएगा ये चैप्टर आपका, है ना, तो इसको हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो जितना समझ में आया उसको आप लोग रीड करिए, और नहीं समझ में आता तो हम लोग इसको और जो गूगल मीट पर क्लास होती है तब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, कीप योर लर्निंग, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।